भोग का नाम करोड़ों लोगों में से शायद एक आध ही कोई ऐसा इतना भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो आज के आम रोगों जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी, मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से पीड़ित ना हो। इन सभी रोगों का संबंध हमारे आहार, व्यवहार, विचार तथा हमारी जीवन शैली से काफ़ी हद तक जुड़ा रहता है, जिसके लिए किसी भी प्रकार की दवाई हमें परमानेंट क्योर नहीं दे पाती है। जबकि सरल योग अभ्यास तथा आहार, व्यवहार और विचार में थोड़ा सा परिवर्तन न सिर्फ हमें इन रोगों से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि हमारे जीवन को और भी ज्यादा सुखी एवं समृद्ध बना सकता है। तो आइए देखें सरल, सहज और प्रमाणित योग, जिससे जाने माने योगीराज स्वामी लाल जी महाराज ने अनगिनत रोगियों को रोग मुक्त किया है। मैं जोधपुर से हूँ, यहाँ पे बीएड कर रहा हूँ और आज मैंने यहाँ शिविर अटेंड किया और शिविर के अंदर जो गुरुजी के डायरेक्शन में जितनी सरल क्रियाओं में शिविर को समझाया गया, यानी कि योग और साधना को समझाया गया, उससे दिल संतृप्त हुआ और इसी आशा अपेक्षा के साथ कि इन्हीं को मैं भविष्य में अनवरत रखूँगा, इस शिविर में मुझे जो समय दिया गया उसके लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर उमेद सिंह शेखावत कृषि वैज्ञानिक हूँ, योग देव मंदिर से 10-12 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मेरा वजन काफ़ी था, जिसे 10-12 किलो वजन कम हो गया और मुझे बात बात पर गुस्सा आता था, गुस्सा भी कम हो गया और मन को बड़ा अमन चैन रहती है। यानी योग करने से देही भौतिक तीनों तरह के सुख मैंने भोगे हैं और भोग रहा हूँ, गुरु जी की अपार कृपा है। मेरा नाम गोविंद सिंह गिल है, मुंबई में अमरनाथपुर के एक सबर्ब है, वहाँ मैं रहता हूँ। मुझे पिछले 8 से 10 साल से कमर में निचले भाग में काफ़ी दर्द और उसमें से वो जो दर्द दोनों टांगों में जाता था, जिसको सीआईटिका कहते हैं, उससे मैं काफ़ी परेशान था। एक किस्म से रोज के मर्रा की ज़िंदगी में हैंडीकैप हो गया था। ईएनटी और जनरल सर्जन हूँ, मुझे ओपीडी में घंटों बैठ के पेशेंट्स देखना पड़ता है, ऑपरेशन खड़े खड़े और बैठे बैठे पोजिशन में 2-3 घंटे करना पड़ता है, उसमें मुझे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। राजू बाबा बोल के दोस्त हैं हमारे, उन्होंने टीवी में गुरुजी का प्रोग्राम देख के उन्होंने बोला कि अपन गुरुजी के पास जाएंगे और हम इधर आए। यहाँ मैंने जो योग शिविर अटेंड किया है, मालिश, कॉन्ट्रास्ट बात है, कटी बस्ती है, ये किया गया, स्टीम बात दिया गया, योग एक्सरसाइजेस किए गए और गुरुजी ने स्वयं हमको कुछ ऐसे टिप्स जो दिखने में बहुत ही छोटे छोटे लगते हैं लेकिन काफ़ी आराम देते हैं, 6 दिन में काफ़ी आश्चर्यकारक फर्क हुआ। तो एक तो खड़े या आड़े पोजिशन, ये दो ही पोजिशन में ले पाता था, अब मैं बैठ सकता हूँ और अभी मैं नीचे झुक सकता हूँ, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं आती है। चलने फिरने में एकदम मैं नॉर्मल महसूस करता हूँ, काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ। वेट कम से कम 20 किलो ज़्यादा हो गया था, अब यहाँ 6 दिनों में काफ़ी 3-4 किलो कम हुआ है। हालांकि मैंने खाना कुछ कम नहीं खाया, लेकिन जो आइटम्स वगैरह बताए गए उससे बगैर कम खाना खाए मेरा वजन कम। गुरु जी है, गुरु माँ है और पूरा जो कर्मचारी वर्ग है उसका मैं बहुत आभारी हूँ। सौभाग्य आप किसे मानते हैं? कई लोग जब बहुत पैसा आ जाता है बोलते सौभाग्य आ गया, लक्ष्मी आई है घर में, सौभाग्य अच्छा है व्यक्ति। किसी को बीवी अच्छी मिल जाती है तो वो भी सौभाग्य मानते हैं, किसी का पुत्र अच्छा गुणवान हो जाता है उसको सौभाग्यशाली कहते हैं, कोई बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाता है, पहुंच जाता है, उसको कहते हैं बड़ा सौभाग्यशाली है। ये जितनी भी बातें मैंने कही अभी, कमोबेश
भगवान जीवन में हरेक को थोड़ा बहुत देता है, सब कुछ ना भी दे तो काफी कुछ परमपिता परमात्मा हमें देता है। हालांकि इंसान है कि उसका मन कभी भरता ही जितना मर्जी मिल जाए। जिसके पास साइकिल नहीं है वो कहता है साइकिल हो जाए तो बड़ा अच्छा हो, फिर स्कूटर की कामना करता है, स्कूटर वाला कार की कामना करता है, कार वाला आगे बड़ी कार की कामना करता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके अपने हवाई जहाज, उनसे पूछा भाई आप तो तृप्त हो, बोला अपनी कंपनी होनी चाहिए और अपने ही मकान की छत पर हवाई जहाज आकर रुकना चाहिए, इतना बढ़िया करो। ऐसे भी हैं कि वो भी सुलभ हो गया, उससे पूछो भाई आप तो तृप्त हो, बोला यार मजा नहीं, कमबख्त तो मजा कब आएगा। एक अंग्रेज आता था हमारे पास, प्रभा जी जानते हैं, डेविड हार्ट करके, वो मार्गरेट थैचर जो प्रधानमंत्री थी इंग्लैंड की, उसका वो एडवाइजर था। हमारे पास तो वैसे ही चला आया गलती से, उनने कहा कि मुझे कोई ऐसा योग वाला चाहिए जो आसन अच्छे करते हैं। ढूंढते ढूंढाते हैं आर के पुरम में आए, हमने कहा जी योग तो हम कर लेंगे। तो जी वो लगा जी कैमरा लाया था बढ़िया, उस शेर के बच्चे ने जी कम से कम भी 200-300 फोटो उतार दी, लगा तो सवेरे से शाम कर दी बिल्कुल, ना हमें खाने दिया ना खुद खाया, और अंत में कहने लगा कि आपको मैं कितने पैसे दे। हमने कहा यार भोजन यही करके जाओ, अंधेरा हो गया, पैसे किस बात के। वो बड़ा हैरान हुआ, बोला आपको मालूम नहीं मैं तो कईयों के फोटो खींच के लाया हूँ, किसी ने 5,000 लिए, किसी ने 10,000 लिए, एक आप ऐसे मैं क्या कहूँ, सांसारिक भाषा में तो मूर्ख ही कहना चाहिए, सारा दिन लुटा दिया और कह रहा भोजन करके जाओ और पैसे की क्या जरूरत है, किस लिए दे रहे हो। बोला आपके पास बहुत पैसा है क्या। बात कहने का ये नहीं कि मैं कोई महान हूँ या तपस्वी हूँ या बड़ा भारी त्यागी व्यक्ति हूँ, बात है संतोष कब आता है इंसान, वो बात है। सबसे पहले हम करेंगे हस्तोत्तानासन, श्वास भरते हुए बैक ऑफ द हैंड्स को ऊपर ले जाइए, सिर को पीछे लटका दीजिए और श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए बाहों को ऊपर ले जाइए, ऊपर देखिएगा, ऊपर देखिएगा, सिर को पीछे लटका दीजिए। अगर आपको चक्कर आते हैं तो इमीडिएटली इसको बंद कर दीजिए, अन्यथा रोज 5 बार करने से आपको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह या हेडेक में इस आसन को करने से बहुत लाभ होगा। थोड़ी देर रोकने का प्रयास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस, एकदम गर्दन का टेंशन खत्म, कभी स्पॉन्डिलाइटिस हो नहीं सकता। 5 बार कम से कम किया करेंगे, श्वास गहरा भरिए, हाथों को मिलाइए बैक ऑफ द हैंड्स और सिर को पीछे ढीला छोड़ दीजिए और ऊपर देखते रहिए, श्वास छोड़ते हुए बाहों को नीचे लाए। श्वास का बड़ा महत्व है योग में, आप मानिएगा, थोड़ा क्रॉस योर आर्म्स, ये हमने इजाद किया कहीं और है नहीं, कहीं भी आप सारे विश्व में चले जाइए। कई बार क्या होता है इतनी स्टिफ हो जाती है बॉडी कि दोनों हाथ दबा नहीं पाते, दाएं हाथ को बाएं तरफ ले जाइए, इससे अच्छा ग्रिप बनेगा और बाएं हाथ को दाएं तरफ, एकदम रिलैक्सेशन मिलेगा। जिन्हें ज्यादा लिखना पढ़ना पड़ता है या टेंशन है या किसी भी कारण से वो ये करेंगे तो तुरंत लाभ मिलेगा। अब दूसरा आसन करिए, इसी को ही आगे से क्रॉस करते हुए बाहों को ऊपर ले जाएंगे श्वास भरते हुए, ये भी हस्तोत्तानासन है, दोनों बाहों को चक्राकार घुमाते हुए ऊपर जाइए श्वास भरते हुए, बॉडी को पीछे ले जाइए। जिन लोगों को किसी प्रकार के भी व्यायाम करने की आदत नहीं है, हस्तोत्तानासन नंबर 1 और हस्तोत्तानासन नंबर 2 5-5 बार इस व्यायाम को करने से आपको लाभ मिलेगा, और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, स्टिफनेस इन द शोल्डर्स, पेन इन द नेक, हेडेक्स और माइग्रेन, आपको ये सारी तकलीफें नहीं आएंगी। कम से कम 5 बार किया करेंगे
श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब फिर मानिएगा थोड़ा सा मैसेज योर सेल्फ, सेल्फ लव है, प्यार दीजिए, अपने आप को मालिश कीजिए, अल्टरनेट हैंड से कर लीजिए। अब तीसरा आसन देखिएगा, स्ट्रेच एंड स्क्वाट। इससे पूरी बॉडी का रिकंडीशनिंग हो रहा है आपका, पूरी रीढ़ की हड्डी, गर्दन की भी और लोअर बैक की भी खुलेगी, घुटनों में भी जान आएगी, नई शक्ति का संचारण होगा। श्वास भरते हुए पीछे बाहों को ले जाओ, हाथ अलग से भी रख सकते हैं और मिला के भी पीछे जाइएगा। जिनको बहुत कमर में पीड़ा हो, पीछे ज्यादा नहीं जाएंगे, न ज्यादा आगे झुकेंगे, और आगे झुकना है तो घुटनों को मोड़िएगा पहले। जिन लोगों को चक्कर आते हैं, स्पोंडिलाइटिस है, या बैक में तकलीफ है, या सियाटिका है, ऐसे लोग जो है इस आसन को नहीं करेंगे। जिनको घुटनों में दर्द रहता है वे लोग ज्यादा नीचे नहीं बैठेंगे, थोड़ा सा हल्का सा घुटनों को मोड़ेंगे। इसको 5 बार करिएगा, श्वास भरते हुए पीछे जाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे को बैठने का कोशिश करें, और हाथ बहुत आगे नहीं जाएंगे, हल्का सा घुटनों को मोड़िएगा। इससे आपका मेरुदंड बड़ा बलशाली बनेगा, लचीला बनेगा, कभी भी कमर दर्द होगा नहीं, स्पोंडिलाइटिस होगा नहीं, सियाटिका होगा नहीं। श्वास भरेंगे पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। घुटनों को जरूर मोड़ना चाहिए, खड़े हो जाइए। फिर से मन लीजिएगा, थोड़ा मनते रहने से आपको कोई कष्ट नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। यदि आप मोटापा या बढ़े कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, तो गुरु महाराज जी की पुस्तक योग सुख सागर भाग 2 तथा योग चिकित्सा सीडी भाग 1 मंगवाकर मोटापे से मुक्ति के साधन घर बैठे ही सीख सकते हैं। ये जो जो है, यदि आप इसका आटा और सोयाबीन वगैरह का इसका मिक्सचर बना के लेते हैं, फुजला समेत लेते हैं, तो इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल कभी बिल्डअप नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल मात्रा में रहता है। तो निश्चित तौर पे जो आम रोग हैं, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटीज से लोग पीड़ित हैं, उसके अलावा अंदर और विभिन्न प्रकार के रोग जो है पनप रहे हैं हमारे गलत आहार की वजह से, तो ये अगर आप लेते हैं, इवन चावल का भी प्रयोग करते हो, तो ये अनपॉलिश राइस होना चाहिए। पॉलिश राइस से भी अनेकों बीमारियां आती हैं। जब जब आप छिलका फेंकते हो, प्रकृति से दूर करते हो, प्राकृतिक रूप से उसको विकृत करते हो, तो उससे आपको नुकसान है। जब भी आपको कोई तकलीफ हो, जो किसी और सिस्टम से ना टिको, खासतौर पे जब आप एलोपैथी ड्रग्स लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हो जाते हैं। शायद ये बहुत बड़ा कारण है लोगों का रुझान, इवन मेडिकल डॉक्टर्स का रुझान भी आयुर्वेद की तरफ आ रहा है। तो क्यों ना हम आयुर्वेद के नुस्खों को आजमाएं और अपने जीवन को स्वस्थ में और निरोगी बनाएं। यदि आप कब्ज के शिकार हैं और इससे हमेशा के लिए निजात पाना चाहते हैं, तो हमारा 120 वर्षों से आजमाया महाप्रभु आयुर्वेद का कब्ज नाशक योग लीजिए और पहले दिन ही से फर्क महसूस कीजिए। ये योग आपकी आंतों को बलशाली बनाता है, न कि आपको इसका गुलाम बनाता है। और हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ये कब्ज को निर्मूल करता है। योगीराज स्वामी लाल जी महाराज के आश्रम में 1 सप्ताह के शिविर में, जो कि हर सोमवार से शनिवार तक नई दिल्ली में गुरु महाराज जी की पर्सनल गाइडेंस में आयोजित किया जाता है, आप भाग लेकर अपने सभी दुखों और तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। महाप्रभु योग दिव्य मंदिर, सेक्टर 6 आर के पुरम, नई दिल्ली में बिताया गया 1 सप्ताह आपकी जिंदगी बदल सकता है। यदि आपको यकीन ना हो, तो भुक्त भोगियों की जुबानी खुद ही सुनिए उनकी कहानी। मेरा नाम मीनू पुरी है, मैं वसंत कुंज से आई हूँ। मैं यहाँ 6 महीने पहले अपनी बैक पेन का इलाज कराने आई थी, जो कि मुझे 2 साल से थी,
और मेरा ये हाल हो गया था कि मैं एक छोटी सी चीज़ भी नीचे से लिफ्ट नहीं कर पाती थी। मैं एलोपैथिक मेडिसिन लेती थी जिससे मुझे कोई आराम नहीं आ रहा था। फॉर द टाइम बीइंग अगर पेन कम भी हो जाती थी तो वो दो दिनों में फिर वापस आ जाती थी, पर यहाँ आने के बाद इन्होंने मुझे 6 दिन का कोर्स करवाया जिसमें मसाजेस दी, स्टीम बाथ दिया और एक हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसर से इन्होंने ठीक किया। और इसके अलावा मैं योगा भी करती थी यहाँ पर, जो कि मेरे पेन्स के लिए ये लोग कराते थे, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। यहाँ कटिवस्ती शिरोधारा भी लिया मैंने, सब देते थे जिससे कि मुझे बहुत आराम आया। और मैंने अपने अलावा भी अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया यहाँ आने के लिए, जिसके बाद उन्हें भी आराम मिला है। पर यहाँ आने के बाद आज मुझे 4 महीने हो गए हैं, वो पेन बिल्कुल ठीक है मेरी, और कहीं पर भी मुझे बॉडी में अब ऐसा नहीं लगता कि अकड़न है या कहीं दर्द हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुजी की, जिन्होंने यहाँ आके मेरा पूरा ट्रीटमेंट किया और मुझे ठीक किया, और यहाँ के योगा आश्रम का। और चाहती हूँ कि यहाँ बहुत लोग आएँ जिनको कि ये तकलीफ़ें रहती हैं और उनको इस चीज़ से आराम मिले। धन्यवाद। सरल योगाभ्यास के अलावा स्टीम बाथ, मालिश, शिरोधारा, कटिवस्ती, पोटली, मर्द थेरेपी, जल चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, अनीमा, आहार चिकित्सा, आयुर्वेदिक दवाओं, मंत्र चिकित्सा, सत्संग तथा ध्यान समाधि द्वारा अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, तो संपर्क करें योग दिव्य मंदिर नई दिल्ली। फोन नंबर 2619268 और 2616655। जब भी आपको कोई तकलीफ हो जो किसी और सिस्टम से ना टिको, खासतौर पे जब आप एलोपैथी ड्रग्स लेते हैं उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हो जाते हैं। शायद ये बहुत बड़ा कारण है लोगों का रुझान, इवन मेडिकल डॉक्टर्स का रुझान भी आयुर्वेद की तरफ आ रहा है। तो क्यों ना हम आयुर्वेद के नुस्खों को आजमाएं और अपने जीवन को स्वस्थ में और निरोगी बनाएं। मोटापा न तो भूखा रहने से जाता है और न ही अधिक एक्सरसाइज करने से, बल्कि ये जाता है मेटाबॉलिक रेट को तेज करने से। हजारों लोगों द्वारा आजमाया गया महाप्रभु आयुर्वेद का मोटापा नाशक योग आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जो आपको मोटापे से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकता है। आज की जिंदगी में हर कोई आराम चाहता है और फिजिकल जो भी कोई उसको मशक्कत करनी होती है उससे वो अवॉइड करना चाहता है। उससे इंसान पसीने से महरूम रह जाता है, स्वेटिंग होती है, और इवन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो भी इतनी एडिक्वेट एक्सरसाइज नहीं करते कि उनको पसीना आने लगे। और शायद आज की लाइफस्टाइल इतनी तेज है उसमें समय भी नहीं मिलता। ऐसे में क्या करें, आपका नज़ला जुकाम हो, दमा हो, मोटापा हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, या आप ये थकावट में आए हैं किसी ट्रेवल करके आए हैं, ऐसे में क्या करें, स्टीम में बैठिए। इसमें जड़ी बूटियां डाल दी जाती हैं और जैसे स्टीम कमरे में भरता है जो भी व्यक्ति अंदर बैठता है उसकी धीरे धीरे नस नाड़ियाँ खुलती हैं, शरीर खुलने लगता है, इससे किसी प्रकार की भी दर्द हो वो निकल जाती है, नज़ला जुकाम से मुक्ति मिलती है, दमा से लाभ होता है, दमक के अटैक्स कम होने लगते हैं और अर्थराइटिस से तो मुक्ति मिल ही जाती है। और इवन जो आपकी आर्टरीज ब्लॉक होती जा रही हैं, आहार में भी सुधार कीजिए और स्टीम में बैठने का कोशिश करें कुछ एक मिनट रोज, तो आपको निश्चित तौर पे इन सभी बातों में लाभ मिला। और मोटापा हो उसको पतला करने के लिए भी स्टीम जो है बड़ी कारगर चीज़ है। सांस गहरा भरना चाहिए, धीरे धीरे एक से भरें, थोड़ी देर रोकें, दूसरे से छोड़ें, फिर जिससे छोड़ें उससे लें, थोड़ी देर रोकें, पहले वाले से छोड़ें। ऐसे 15-20 बार 25 बार श्वास अगर लेते छोड़ते हैं तो आपको स्टीम और प्राणायाम दोनों का लाभ मिलेगा। यदि आप स्पॉन्डोलाइटिस, माइग्रेन, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, कब्ज, गैस, एसिडिटी, मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग इत्यादि से पीड़ित हैं और कोई परमानेंट इलाज नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे विशेष योग चिकित्सा शिविर में भाग लेकर अपने सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया संपर्क करें इन फोन नंबर्स पर 2619268 और 2616655। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगी राज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें।
योग दिव्य मंदिर नई दिल्ली। फोन नंबर 2619268 और 2616655।